गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रामर में, उस टॉपिक का नाम है वॉइस। ठीक है, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम? वॉइस डिस्कस करने जा रहे हैं। वॉइस का मतलब क्या होता है ग्रामर में? वॉइस का मतलब क्या होता है? मैंने क्लास में भी बताया था ना तुम्हें, पहले भी कई बच्चे बोलते हैं वॉइस का मतलब होता है साउंड, आवाज़, है ना। बट इन जनरल सेंस में तो वॉइस का मतलब आवाज़ ही होता है, बट ग्रामर में वॉइस का मतलब क्या होता है? ग्रामर में वॉइस का मतलब होता है बात को कहने का तरीका। ठीक है, क्या होता है? बात को कहने का तरीका। हम बात को किस तरीके से कहते हैं? बात को हम दो तरीक़ों से कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जब भी हम कोई बात कहें तो उनका मीनिंग जो है ना चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ऐसे बोला, मैं आप सभी को पढ़ाती हूँ। ठीक है, और इसी सेंटेंस को अगर मैं दूसरे सेंस में बोलूं कि मेरे द्वारा या आप सभी को पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा, ठीक है, या मेरे द्वारा आप सभी को पढ़ाया जाता है, तो इन दोनों सेंटेंस में क्या फ़र्क है? कोई भी फ़र्क नहीं है, है ना। पता क्या होता है, वॉइस में हमारा जो मीनिंग होता है ना, मतलब हम जिस बात को कह रहे हैं, ठीक है, वो बात का मीनिंग जो है चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। और कितने पार्ट्स होते हैं वॉइस के? टू टाइप्स होते हैं ना, टू टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा होता है? एक्टिव वॉइस होता है, ठीक है, ठीक है। और सेकंड कौन सा होता है? पैसिव वॉइस। अपने पास ना अपनी ग्रामर की नोटबुक खोल के रखनी है तुम लोगों ने, ठीक है, क्योंकि वॉइस का सीधा कनेक्शन टेंसेस से है। अगर आप सभी को टेंसेस आते हैं तो सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड वॉइस वेरी वेल, आप अच्छे से उस वॉइस को समझ पाओगे। जब भी आपसे कभी पूछा जाए वॉइस का मतलब क्या है, ग्रामर में वॉइस का मतलब क्या है मोस्टली, ठीक है, तब आपने बोलना है वॉइस का मतलब होता है बात को कहने का तरीका। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में वॉइस का मतलब आवाज़ वूज कुछ नहीं होता। ठीक है, हाई बात समझ में मेरी। और इसके कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स होते हैं, ठीक है, एक्टिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस होते हैं। अब एक्टिव से आप क्या समझते हो, है ना? एक्टिव का मतलब क्या होता है? क्योंकि हर चीज़ का मीनिंग है, पहले आपको मीनिंग क्लियर होगा आपके माइंड में, तब आपको पता चलेगा। एक्टिव से आप क्या समझते हो? एक्टिव का मतलब क्या होता है? फुर्तीला, है ना। इसमें क्या होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, क्या होता है हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? एक्टिव होता है, ठीक है। एक्टिव मतलब बिल्कुल एक्टिव है, काम को करने वाला बिल्कुल एक्टिव है। और पैसिव में क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट हमारा, पैसिव का मतलब क्या होता है? पैसिव का मतलब होता है लेज़ी, ठीक है। पैसिव का मतलब क्या होता है? लेज़ी, निष्क्रिय भी बोलते हैं इसको, है ना। निष्क्रिय मतलब जो भी कोई क्रिया ना करता हो, ठीक है। क्रिया मतलब जैसे कि कोई काम ना करना। तो यहाँ पे जो हमारा एक्टिव वॉइस में होता है हमारा सब्जेक्ट एक्टिव है, पैसिव में क्या होता है हमारा सब्जेक्ट लेज़ी हो जाता है, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है? हमारा जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आती है, देन ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक्टिव वॉइस या फिर जब हम सिंपल सेंटेंसेस टेंसेस बनाते हैं ना, टेंस करते हो जब तुम लोग, उसमें भी यही रूल अप्लाई किया जाता है ना एक्टिव वॉइस में, ठीक है। एक्टिव वॉइस बोल रहे हैं, सिंपल सेंटेंस करते हो तुम जब भी बनाते हो, पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आती है, देन ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब हम पैसिव बना रहे हैं, ठीक है, पैसिव में मैंने तुम्हें क्या कहा है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो लेज़ी हो जाता है, इट मीन्स वो लास्ट में चला जाएगा। जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा ना, ऐसे क्रॉस हो जाएगा ना, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गई, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, ये सब्जेक्ट आ गया। देखो सब्जेक्ट लास्ट में आ गया, है ना। पैसिव इसको इसलिए बोला ना, लेज़ी हो गया। यहाँ पे हमारा एक्टिव वॉइस में ये एक्टिव था, काम को करने वाला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होता है? काम को करने वाला डूअर, ये एक्टिव था हमारा। पैसिव जब हमने किया, पैसिव का मतलब ही लेज़ी है, पैसिव का मतलब है निष्क्रिय, जो कोई क्रिया ना करता हो, है ना। ऐसे हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, पहले हमने लिखा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। पैसिव का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट, यहाँ जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा सब्जेक्ट की जगह पर आ गया ना। आई बात समझ में?